हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था और साथ में उसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है शुरू में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर हम कई सारे करेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है, काफ़ी कुछ मैंने बोर्ड पर पहले से लिख लिया है ताकि आप उसको देख के कॉपी कर सको। ठीक है, तो और हमारा थोड़ा सा टाइम बचे, इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सकें। ठीक, तो देखो है कि डायलैक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो डायलैक्ट्रिक क्या है? दीज आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस एट, ठीक है, तो कोई भी जो डायलैक्ट्रिक होगा वो सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो उसके बाद नॉन कंडक्टिंग का मतलब जैसे वाटर हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा चीज़, वाटर एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, बाकी कुछ ऐसे भी चीज़ें जो कि मतलब जिनके अंदर देखो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, बस फ्री चार्जेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे आयन्स उनके अंदर नहीं होने चाहिए, फ्री आयन, जैसे ऐसा नहीं कि मेटल को आप डायलेक्ट्रिक की तरह मानोगे। ठीक, तो नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। ठीक, अच्छा, एट मॉलिकुलर लेवल डाइपोल्स में भी, मतलब डायलेक्ट्रिक की बात हो रही है कि डायलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिकुलर लेवल पे डाइपोल जो होंगे या तो पहले से ही प्रेजेंट होंगे या तो फिर ऐसा होगा कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उनके अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि H2O हो गया, वाटर की बात करें। ठीक है, तो वाटर जो है उसमें क्या है कि ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल है। ठीक, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, उसके अलावा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, पहले से ही डाइपोल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर मान लो इनके पास कुछ नेट डाइपोल मोमेंट भी आएगा। ठीक, अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि डाइपोल्स पहले से मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड स्ट्रेच होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CO2। ठीक है, तो CO2 की बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए नेट डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का कितना होगा तो फिर आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करें जिसकी वजह से क्या हो कि यहाँ पे अच्छा, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे आगे तो एक केमिस्ट्री में एक इंस्ट्रूमेंट होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसमें ये पता करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में किस टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग मौजूद है, मतलब कौन कौन से बॉन्ड मौजूद हैं स्ट्रेचिंग से। ठीक है, तो वहाँ पे इसी चीज़ का यूज़ करते हैं कि वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बॉन्ड्स को स्ट्रेच करवाते हैं और ये देखते हैं कि वो कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करने की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन आता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, उनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट पहले अगर नहीं प्रोड्यूस है तो भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, खैर वो चीजें रिसर्च लेवल की हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल इसलिए बोला इसको कि आपको ये चीज हो सके कि हाँ ठीक, ऐसा कुछ होता है जिसका हम कुछ पूरा टेक्निकल यूज भी करते हैं इस चीजों का। ठीक, तो देखो उसी तरीके से CO2 मॉलिक्यूल में भी क्या है कि जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो देखो क्या हो सकता है। अगर मान लो किसी तरीके से अगर ऐसा हो जाए कि एक ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड छोटा हो जाए और एक जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी थोड़ी सी लेंथ बड़ी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो कि ये ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा बेंड कर जाए तो भी इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ सकता है। ठीक, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ड्रॉ किया है CO2 का,
ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, ठीक। लेकिन मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, तो इस उसके मॉलिक्यूल के अंदर एटम, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा की ये सिचुएशन है, ठीक। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के या फिर उसको हीट एनर्जी दे के, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा के देखते हो, तो वो वाइब्रेशन की वजह से उसका ओरिएंटेशन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इंस्टेंट के लिए, ठीक। तो ये कहेंगे कि जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल ये इस डायलेक्ट्रिक के पास मान लो कि पहले से ही डाइपोल मौजूद है, अगर किसी के पास डाइपोल मोमेंट नहीं मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसके अंदर डाइपोल थोड़ा सा क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। खैर, तो हम डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो देखो इसीलिए बोला गया है एट मॉलिक्यूलर लेवल डाइपोल्स मे बी आइदर ऑलरेडी प्रेजेंट और मे गेट इंड्यूस ड्यू टू स्ट्रेचिंग बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो, तो इसको लिख लेना, ये पूरा ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। देखो जैसे कि इस मटेरियल के अंदर पहले से ही डाइपोल मोमेंट्स मौजूद है, ठीक है। तो एट नॉन जीरो टेम्परेचर एंड इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डाइपोल सारे मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वो रैंडम ओरिएंटेशन में है, ठीक। तो अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दीज डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड रिजल्टिंग इन नेट जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। तो एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल लिया हमने जिसके अंदर डाइपोल्स पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उन डाइपोल्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट यहां पे बनेगा सारे डाइपोल का अगर वेक्टर सम हम करें तो वो कितना आना चाहिए, जीरो। तो क्योंकि इस पूरे मटेरियल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इस वजह से इनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, सारे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करें, क्योंकि देखो रैंडम है पूरा, ठीक है। तो सबका अगर समेशन किया जाए सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो भी जीरो आएगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट भी नेट जीरो आएगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं लगा के रखा हुआ है तो वो जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लीजिए पूरा। चलिए अब उसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर उस डायलेक्ट्रिक मटेरियल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इट ट्राइज टू ब्रिंग डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था, जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता था, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन अ डायलेक्ट्रिक मीडियम देन ऑल डाइपोल्स अलाइन देमसेल्फ इन डायरेक्शन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो फिर मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो यहां पे क्या है कि अगर ये जो चीजें मैंने बोली हैं अभी यहां पे कि अगर किसी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो क्या होगा कि उसके डाइपोल्स जो हैं पहले तो रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब उसके बाद फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपने अकॉर्डिंग मोड़ना शुरू करेगा। इसका क्या मतलब है देखिए, ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन पूरा लिख लीजिएगा उसके बाद मैं इसका मतलब समझा रहा हूं। देखो जैसे कि आपको पता होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई ऐसा कोई कंटेनर है उसके नीचे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, सरफेस स्मूथ है, तो यहां पे इसके ऊपर नेट फोर्स कैसा है, जीरो। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो अपने पोजीशन से और वहां पे रिलीज करो तो बच्चा वो क्या होगा कि वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मान लो कि कुछ ऐसा है यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये तुरंत इधर उधर भाग जाएगा,
ठीक है, ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, उसी तरीके से अगर प्लेन सरफेस है उस पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप इसको उठा के अगर यहां पे डिस्प्लेस करके रख देते हो तो ये वहीं पे पड़ा रहेगा, ना ये वापस आने की कोशिश करेगा ना दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो आप किसी भी डाइपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, ठीक है, तो जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, इस वजह से यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है इस डाइपोल का। ठीक, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो नेट टॉर्क जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बताएं, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, और आपने एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस देखो बच्चा, अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को इस तरीके से रख दिया, अब इस दोनों केस में क्या हो रहा है कि यहां पे देखा जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, QE और QE, ठीक, तो इस पे नेट फोर्स बताओ कितना है, जीरो। तो इस केस में नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, समझ में आया, ठीक है, तो इस वजह से ये इक्विलिब्रियम का केस होगा। उसी तरीके से यहां पे देखो, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कपल भी नहीं बना रहे, इसका मतलब टॉर्क क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे भी नेट फोर्स जीरो है और साथ में नेट टॉर्क भी जीरो है। क्लियर है बात, ठीक। अब जरा देखते हैं कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो इस डाइपोल को आप थोड़ा सा अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, तो अगर वो वापस अपनी पोजीशन गेन करना चाहता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर गेन ना करे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, ठीक, तो पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ और नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। देखो हुआ क्या कि इसको हमने इस तरीके से प्लेस किया था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो अब इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, तुरंत इस तरीके से फ्लिप होने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में आप देखोगे कि P इज एंटी पैरेलल टू E, मतलब डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसी तरीके से इस केस में देखो, अगर यहां पे उसी तरीके से डिस्प्लेस करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे पहुंचा, नेगेटिव पे फोर्स इधर लेगा, पॉजिटिव पे फोर्स इधर लेगा, ये वापस अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि ये डाइपोल मोमेंट जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ में आई बात, ठीक है, तो याद रखना कि डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एंटी पैरेलल वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। तो अगर तो इतना अपने को पता चल गया, अब देखो हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस मटेरियल के डाइपोल्स तो सारे रैंडमली ओरिएंटेड थे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से हुआ क्या, जो भी डाइपोल थोड़े से तिरछे मिर्चे इस तरीके से होंगे उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जैसे मान लो एक डाइपोल इस तरीके से पड़ा हुआ है, एक डाइपोल जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ये डायलेक्ट्रिक के अंदर, ये मान लो दो डाइपोल की मैं बात कर रहा हूं, अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और इस टाइप के फोर्सेस के कारण होगा क्या कि अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को बेंड करके तुरंत क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो ये डाइपोल को बेंड करके इस पोजीशन में लेते आएगा, ठीक है, तो डाइपोल जो है वो इस तरीके से बेंड करके इस तरीके से आ गए, ठीक, टॉर्क लगने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क की वजह से, ठीक। तो यहां पे आप देखोगे कि डाइपोल मोमेंट्स दोनों क्या हो गए, दोनों के पैरेलल हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक को
जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उनके अंदर के सारे डाइपोल्स को अपने पैरेलल करने की कोशिश करता है। समझ में आई बात? ठीक है, टॉर्क लगा के। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है इस बात को, देखो कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन डायलेक्ट्रिक मीडियम देन ऑल डाइपोल्स अलाइन देमसेल्व्स इन डायरेक्शन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब? तो देखो, अभी हमने ये देखा कि ये रोटेट कर देगा, ये बात तो क्लियर है कि पैरेलल में, ठीक। तो देखो अगला क्या था, अब क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायलेक्ट्रिक पे इधर की तरफ लगाया हुआ है, ये ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो सारे डाइपोल्स ये जो है वो सारे अलाइन कर गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब क्या होगा, देखिए अब क्या है कि यहां पे अगर देखें तो सबसे पहले इस पे ध्यान दो, यहां पे तो क्या है कि देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, मतलब ये दोनों ये दोनों ये दोनों, तो एक तरीके से ये दोनों का असर कैंसिल कर गया इस डायलेक्ट्रिक में, इन दोनों का कैंसिल, इन दोनों का कैंसिल, बचेगा क्या, इधर का पहला लेयर, ठीक है, ये कैसे चार्ज की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज लेयर की तरह बिहेव करेगा, और इधर वाला कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेयर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जब इस डायलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने सारे डाइपोल को अपने पैरेलल कर दिया। अच्छा, पैरेलल का मतलब देखो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में है और सारे डाइपोल्स अपने आप को ऐसे अलाइन किए हुए हैं कि उनका डायरेक्शन भी किधर की तरफ है, राइट डायरेक्शन में। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है डाइपोल मोमेंट के, ठीक। तो यहां पे क्या है कि क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पास में, ये पॉजिटिव नेगेटिव पास में, तो इन सारे ये जो बल्क के चार्जेस हैं इनको मैं हटा देता हूं, मान लेता हूं कि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, बचेंगे क्या, बस ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो क्यू नेट इन द बल्क इज जीरो, ये मान लेते हैं, बल्क का मतलब ये जो डॉटेड लाइन के बीच में हमने चार्जेस को माना हुआ है, ठीक है। तो बचेगा क्या अपने पास, एक ये नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव, ठीक। तो एक चीज समझ में आएगी यहां पे आपको बात, कि अगर यहां पे देखा जाए तो ये पॉजिटिव लेयर और ये नेगेटिव लेयर है, ठीक है। तो ये नेगेटिव लेयर किधर की तरफ फील्ड देगा, अपनी तरफ, ये पॉजिटिव लेयर किधर की तरफ फील्ड देगा, अपने से दूर। इसका मतलब ये जो लेयर्स हैं ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वैल्यू हमने क्या माना है, ई इंड्यूस, ठीक है। तो ये यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ये जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी डायलेक्ट्रिक को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखोगे तुरंत क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्लियर है बात। और वो डायलेक्ट्रिक मीडियम फिर क्या करेगा, अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो हमने माना है वो इधर की तरफ था, ठीक है, और ये इस लेयर्स की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव जो लेयर्स बने हैं इनकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर कितना बचेगा, ई नेट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इन के बराबर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, ठीक। और यहां पे अब क्या आप ये सोच सकते हो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कभी ई नॉट से ज्यादा हो सकता है, नहीं, ठीक है। जो भी ये डायपोल मोमेंट की वजह से ये आया है ये कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ई नेट जो होगा वो ई नॉट से, ई नॉट माइनस ई इन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही पलट जाए, ठीक है। तो जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से
थोड़ा सा कम हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। कितने से कम हो जाएगा कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव लेयर्स क्रिएट हुए हैं इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में उतने अमाउंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए E नॉट की वैल्यू है 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और E इंड्यूस की वैल्यू जो आ गई, E इंड्यूस की वैल्यू आ गई 0.2 न्यूटन पर कूलम। समझ में आई बात? तो अगर मान लीजिए ये E इंड्यूस्ड है, मतलब कि इन लेयर्स के कारण इतना चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 माइनस 0.2, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इस डायलेक्ट्रिक मीडियम के 0.8 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। क्लियर है बात? ठीक, तो यहां पे इस चीज, इस डायग्राम को आप नोट कर लो, ठीक, कि सबसे पहले ये चीज लिखवा ही चुका हूं मैं कि जो E इंड्यूस्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से इसको पढ़िएगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, या फिर एच सी वर्मा बुक से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसको सिंप्लीफाइड वे में हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो ये चीज क्लियर हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डायलेक्ट्रिक मीडियम में अगर बात करें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही होगा हमेशा। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, अगर यही चीज, ये जीरो कब होगा, जब E इंड्यूस्ड बराबर हो जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ऐसा कब होता है, कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। क्लियर है बात? क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक, चलो अब इतना नोट कर लो, इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लो। ठीक, चलते हैं अगले पे। देखिए यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो E नॉट से कम था। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब डायलेक्ट्रिक मीडियम जब नहीं है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपेरिजन में डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर का फील्ड जो होगा वो कम आएगा। क्लियर है बात? तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इस चीज को आप पहले पढ़े हुए हो इस नाम से भी, कि जैसे मान लो दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, तो Q1 या Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को हम पहले कितना लिखते थे, 1/4πε0 Q1 Q2/r2। ठीक, अब अगर मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हम डाल देते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, मतलब Q1 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, Q1 के ऊपर, यहाँ पे Q1 पे जो लगने वाला फोर्स है वो हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r2, और यहाँ पे एक K मल्टीप्लाई हो जाएगा, K ε0। ठीक है, एक यहाँ पे एक मैं कंफ्यूजिंग बात आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बारीक बात है, ठीक, वहाँ पे बहुत कम ही लोग इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वो ये है कि जब आपने मीडियम डाल दिया, ठीक है, जब डायलेक्ट्रिक मैं कंप्लीट कर लूँगा तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार डील करूँगा। ठीक, पहले पूरा, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हों ये चीज़ और अच्छी तरीके से चीज़ों को जानते हों तो उनको हो सकता है लगेगा कि मैं ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जब Q1 Q2 के बीच में मीडियम आ गया, ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लो वाटर को ही हमने बीच में डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, Q1 के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव वाला हिस्सा जो होगा वो Q1 की तरफ रहेगा। ठीक, तो अब अगर Q1 पे लगने वाले फोर्स की बात करें या Q2 पे लगने वाले फोर्स की बात करें, ठीक है, तो Q2 पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये Q1 का फोर्स लग रहा है, उसके अलावा लग रहा है ये बीच में जो मीडियम है
ठीक है, वो अब रैंडम नहीं है उनके डाइपोल्स, अब वो इनके फील्ड की वजह से, Q1 Q2 के फील्ड की वजह से थोड़े से ओरिएंटेड हो चुके हैं, मतलब वो खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर Q2 की बात करें तो Q2 के ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे होंगे, एक Q1 की वजह से और एक इस मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि मीडियम के आने के बाद क्या होता है, Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स के टाइम्स कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मीडियम के आने के बाद क्या होता है, Q1 तो उतना ही फोर्स लगाता है जितना पहले लगा रहा था, लेकिन बीच में मीडियम भी आ जाता है और वो अपना खुद का भी कुछ फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो के टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आई बात, Q1 पे लगने वाला फोर्स के टाइम्स कम हो जाएगा, लेकिन Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्लियर है बात, नेट फोर्स Q1 पे कम हो गया, नेट फोर्स Q2 पे कम हो गया। क्लियर है बात, ठीक, क्योंकि पहले जब दोनों वैक्यूम में थे तो वहां पे बस एक यही दोनों थे, Q2 फोर्स लगा रहा था Q1 पे, Q1 फोर्स लगा रहा था Q2 पे, लेकिन यहां पे बीच में मीडियम के आने की वजह से क्या हुआ कि बीच में मीडियम के आने की वजह से अब मीडियम के मॉलिक्यूल्स भी जिनके पास डाइपोल मोमेंट है और डाइपोल मोमेंट की वजह से उनके खुद का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वो भी फोर्स लगाना शुरू कर दिए Q1 और Q2 पे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नेट फोर्स जो Q2 पे है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, नेट फोर्स Q1 पे है वो डिक्रीज कर रहा, हो कितना गया इतना, ठीक, मीडियम में जाने के बाद दोनों पे इतना फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, तो यहां पे इसीलिए ये के टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि जो फोर्स है वो कितना गुना कम हुआ किसी एक चार्ज पे। ठीक, तो ये तो फोर्स के रिस्पेक्ट में बात हो गई। अगर हम उसी तरीके से सोचते हैं यहां पे, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम को, बहुत बारीक बात वहां पे मैंने बताई, ठीक है, उस पर ज्यादा टेंशन ना लेना। ठीक है, किताबों में पढ़ोगे, अच्छी किताबों में, तो ये चीज पूरा क्लियरली वो लिखते हैं जहां मीडियम का इफेक्ट बताते हैं कूलम्स लॉ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक में आपको मिलेगा किताबों को पढ़ोगे तो, अच्छी किताबों को। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ कि ई नेट जो था वो हम लिख रहे हैं ई नॉट माइनस ई इन। ठीक है, बाई चांस अगर मान लो ई इन की वैल्यू ई नॉट बाई टू है, अगर मतलब इस ये जो चार्जेस पोलराइज हुए हैं, पोलराइजेशन की वजह से ये जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं, इनकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बाय चांस अगर मान लो फॉर एग्जांपल ई नॉट बाई टू के बराबर आ गई। ठीक है, तो अगर ये ई नॉट बाई टू के बराबर आ गई तो इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था पहले, पहले तो एक्सटर्नल ई नॉट था, अब कितना हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाई टू, जो कि बचेगा ई नॉट बाई टू के बराबर। क्लियर है, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा ई नॉट बाई टू। ठीक है, आधा हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर कितना गुना कम हो रहा है, इसी चीज को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जैसे कि फोर्स के केस में क्या देखा था कि फोर्स जो है वो कितना गुना कम हुआ, उसी तरीके से डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुना डिक्रीज किया, इसी चीज को हम बोलेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो इसकी डिफिनीशन लिखी गई है, द फैक्टर बाय विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू इज डिफाइंड एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक, तो पहले मीडियम, पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। क्लियर है बात, तो इन्हीं का जो रेशियो है वो हम बताते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर इस डिफिनीशन से देखें तो इस डिफिनीशन से इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट की चीज थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो तो K के हिसाब से अगर देखें तो K क्या था, E नॉट पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड और E नेट है बाद में डायलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, तो इनका रेशियो को ही हम क्या बोल रहे हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो यहां से के को हम लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। फॉर एग्जांपल वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1 और वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 81। क्लियर है बात? ठीक, तो इस तरीके से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुना कम हो गया। जैसे मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ई नॉट, तो पानी के अंदर जाने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई 81। क्लियर है बात? ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में प्रॉपरली ओरिएंट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपना खुद का एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम HCl का एग्जांपल लें, ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, उसके अंदर HCl के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो HCl कैसा है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ठीक, तो अगर मान लो कि इसके अंदर इस तरीके से डाइपोल प्लस माइनस इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, तो कई सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड, तो इनके कारण बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इनको रख दोगे, तो ये सारे HCl के मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस तरीके से, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से ये अलाइन कर गए। ठीक, और ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अंदर जो इस मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हम बनाएंगे नेगेटिव, इधर बनाएंगे पॉजिटिव, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट इधर की तरफ, लेकिन अब अंदर बचा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये मटेरियल खुद का एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मिलेगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। क्लियर है बात? तो यही चीज यहां पे हुआ है। ठीक, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखो बात है इंड्यूस चार्जेस ऑन सरफेस ऑफ एन यूनिफॉर्म डायलेक्ट्रिक। ठीक, अभी तक हम ये बात कर लिए कि भाई ठीक है, यहां पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उसके सरफेस पे, जिसकी वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कितना गुना डिक्रीज करेगा, इसी को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो डायलेक्ट्रिक की थ्योरी हो गई। अब कुछ हम ये बात करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं कि कितना चार्ज होगा, ये चीज देखना है। ठीक, तो क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर प्लेट। ठीक, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, यहां पे क्यू के बराबर। ठीक है, और ये जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ कि ये जो डायलेक्ट्रिक है इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है डाइपोल्स अलाइन कर गए। ठीक, अलाइन कर गए, तो हम क्या लिखेंगे, बस किनारे किनारे का लेयर हम लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये पूरा ये जो डायलेक्ट्रिक है ये है कैसा, ये पूरा जो डायलेक्ट्रिक है वो इस तरीके का है, इस तरीके का, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरीके में हम क्या कर रहे हैं, मात्र ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, इसी का ये डायग्राम है। तो उसी तरीके से मैंने यहां पे भी ड्रॉ किया है आपके लिए कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो डायलेक्ट्रिक है उनके बीच के मॉलिक्यूल्स को मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, बीच के जो चार्जेस हैं बस किनारे किनारे चार्जेस को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक, तो देखो यहां पे तो क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू ये कैपेसिटर के चार्जेस हैं, क्यू डैश प्लस और माइनस क्यू डैश जो हैं ये डायलेक्ट्रिक के ऊपर इंड्यूस चार्जेस हैं या पोलराइज चार्जेस हैं या फिर इनको बाउंड चार्ज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है पूरा। ठीक, और क्यू डैश की वैल्यू जो रहेगी वो कम रहेगी क्यू से। क्लियर है बात? ठीक है, तो देखो तो ये एक बार डायग्राम को बना लीजिए, इसको मैं उधर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो तो यहां पे देखो हियर क्यू डैश इज कॉल्ड पोलराइज चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पोलराइजेशन की वजह से डायलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो पोलराइज चार्ज या फिर इसको इंड्यूस चार्ज भी बोलते हैं या फिर इसको बाउंड चार्ज भी बोला जाता है।
ठीक। और जो कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज जो क्यू हमने देखा था, ठीक है, एंड चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज कॉल्ड फ्री चार्ज, जिसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, फ्री चार्ज। ठीक, अब देखो, अब अपने को इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और साथ में ये जो डायलैक्ट्रिक है इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के के बराबर। ठीक, तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो है ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इन, क्लियर है बात। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद फिर अगर हम ई इंड्यूस की बात करें तो ई इंड्यूस हो जाएगा यहां पे ई नॉट माइनस ई नेट के बराबर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ई नेट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के, मतलब कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया था कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो डिफाइन था वो बराबर था ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नेट, मतलब कि ये रेशियो है कि कितना गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, तो ई नेट को कितना लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के। समझ में आई बात, ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे ई नेट को लिख देंगे ई नॉट बाई के बराबर। तो देखो यहां पे ई इंड्यूस की वैल्यू थोड़ा सा मैथमेटिकल है, चीजें थ्योरेटिकल है, इससे परेशान ना होइए। तो ये जो ई इंड्यूस्ड है ये बराबर हो गया ई नॉट माइनस ई नेट, ठीक है, तो ई नेट की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, देखो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ई नॉट वन माइनस वन बाई के, ई इंड्यूस की वैल्यू, क्लियर है बात। ठीक, अब यहां पे देखो ये जो हमने डायग्राम बनाया था कैपेसिटर वाला, इस डायग्राम के अंदर क्या खास बात कि E नॉट क्या चीज था, E नॉट था कि कैपेसिटर प्लेट, E नॉट मतलब एक्सटर्नल फील्ड ना, ठीक है, तो जब डायलैक्ट्रिक नहीं था तो E नॉट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो ये होगा Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद E इंड्यूस की बात करें अगर हम, ठीक है, तो E इंड्यूस किसकी वजह से है, तो इन दो लेयर्स की वजह से है, कौन कौन से लेयर्स, एक तो प्लस क्यू डैश के और माइनस क्यू डैश के। ठीक है, तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये नेगेटिव वाला जो इंड्यूस चार्ज है वो इधर की तरफ फील्ड कितना देगा, तो वो देगा क्यू डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर, और ये पॉजिटिव वाला कितना फील्ड देगा, ये देगा क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सॉरी टू ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है ना एक लेयर के कारण, तो यहां पे दो लेयर्स हैं। ठीक, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक नेगेटिव वाला दिया अपनी तरफ, पॉजिटिव वाला दिया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों का सम करके जो वैल्यू आएगा ई इन वो आएगा क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, देखो तो यहां पे क्या चीज है, ई इन की जगह रख सकता हूं मैं क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाई के, क्लियर है बात। तो यहां से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस वन बाई के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है पोलराइज चार्ज का, कि पोलराइज चार्ज होगा वो बराबर होता है क्यू नॉट वन माइनस वन बाई के बराबर। ठीक है, तो इसके ऊपर कई बार जेई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिसेंटली, तीन चार सालों में कई सारे पेपर्स होने लगे हैं ना अब। ठीक है, तो उसमें कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस चार्ज कितना होगा या पोलराइज चार्ज कितना होगा, आपको डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दे देगा। ठीक है, मान लो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो वन बाई टेन है, सॉरी मान लो डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 9 बाई 10। ठीक, इसका मतलब Q डैश की वैल्यू, यहां पे K की वैल्यू 10 रखोगे तो ये कितना बनेगा 9 बाई 10। ठीक, इसका मतलब Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 बाई 10 टाइम्स ऑफ Q नॉट। ठीक, तो यहां पे इस तरीके से Q डैश की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लोगे कि जो डायलैक्ट्रिक का सरफेस है उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहां पे ये चीज पता चल गया। अब इसका देखो सेकेंड मेथड,
कि दूसरा मेथड इसको कैलकुलेट करने का कि चार्ज कितना होगा, ठीक है। उसको अगर देखें तो एक सेम चीज है, क्या कर रहे हैं, इधर नेगेटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर डायलेक्ट्रिक पे कैसा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस इस टाइप का लेते हैं, ये उसका दूसरा मेथड है सेम चीज निकालने का, जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इस पे या तो मैं सिग्मा मान लेता हूं और इस पे सिग्मा डैश मान लेता हूं, वहां पे क्या माना था, क्यू और क्यू डैश। तो यहां पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है, वो है क्यू अपॉन एरिया, और सिग्मा डैश कितना है, क्यू डैश अपॉन एरिया। भाई दोनों का एरिया सेम है, डायलेक्ट्रिक भी और ये प्लेट भी, ठीक है। तो चलो, तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो गॉसियन सरफेस पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। मतलब इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया, जीरो। जो भी फ्लक्स होगा इस वाले सरफेस से पास करेगा, क्लियर है बात। तो इस वाले सरफेस से पास करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इसके अंदर, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लैटरल सरफेस, सिलेंडर के लैटरल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स होगा, जीरो। जो भी फ्लक्स होगा वो यहां से होगा, ठीक। तो देखो, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डीएस, तो यहां पे हो जाएगा इसका फ्लक्स जीरो, लैटरल सरफेस का फ्लक्स जीरो, बचेगा क्या मात्र, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू डीएस, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों, बाकी सरफेस से जीरो हो चुका है। क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहां पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू डीएस पॉजिटिव में, और यहां पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा डैश इंटू डीएस, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश इंटू डीएस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब डीएस से डीएस कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक, सिग्मा माइनस यहां पे सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब इसको लिखा जा सकता है ई नेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा सिग्मा को कितना लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, ठीक है, और सिग्मा डैश कितना होगा, क्यू डैश अपॉन ए, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अच्छा, बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो यहां पे बाय डेफिनेशन अगर देखें तो ई नेट, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, ई नेट को हम कितना लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई के इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, ई नॉट को कितना लिख सकते हैं, तो बच्चा ई नॉट को लिखा जा सकता है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और के पहले से है यहां पे, इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्यू डैश को इधर लेके आओ, क्यू नॉट अपॉन के को उधर भेजो, देखना यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई के बराबर, ठीक है। तो बच्चा इस तरीके से आप जो इंड्यूस्ड चार्ज है, पोलराइज चार्ज है, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, क्लियर बात, ठीक। तो ये जो आएगा पोलराइज चार्ज का फॉर्मूला, ये आएगा, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कि क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आएगा, तो देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ता है। उस रैंडमनेस की वजह से देखो, मटेरियल डायलेक्ट्रिक के अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारे डाइपोल्स रैंडम है। क्यों रैंडम है, क्योंकि थर्मल एनर्जी के साथ सब वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो रैंडम सब सारी चीजें चल रही हैं वाइब्रेशंस की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो चाहेगा कि भाई सारे डाइपोल्स जो हैं वो अलाइन कर जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इस तरीके से ये डाइपोल मोमेंट्स बना रहा हूं मैं सारे डाइपोल्स का, तो सारे डाइपोल्स को इस तरीके से अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो,
ठीक। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर की वजह से रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब ये सारे डाइपोल्स वाइब्रेट करेंगे थोड़े, तो वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब सब अलाइन ना होके क्या होंगे, इनका अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ जाएगा और कुछ इस टाइप से इनका मतलब किसी इंस्टेंट पे इनका अलाइनमेंट हो, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का क्या हो गया, कम हो गया ना। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहां पे पोलराइज चार्ज होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको मैंने लिखा है विथ राइज इन टेम्परेचर क्यूपी मतलब पोलराइज चार्ज ठीक डिक्रीजेस ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स सो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिक्रीजेस। ये कैसे पता चलेगा कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिक्रीज करेगा, देखो यहां पे क्यू नॉट तो कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज है ठीक है, जिसको हमने पीछे Q लिखा हुआ है ठीक। उसके अलावा ये QP क्या चीज है, पोलराइज चार्ज ठीक है, तो QP पोलराइज चार्ज जिसको हमने Q डैश लिखा हुआ है ठीक है। तो यहां पे आप देखो Q डैश की वैल्यू अगर कम हो रही है तो लेफ्ट साइड कम हो रहा है तो राइट साइड भी कम होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे K की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी तो कम होगा तो ज्यादा चीज सब्ट्रैक्ट होगा ठीक है। तो यहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ, क्लियर है बात ठीक है। तो यहां पे इतनी चीजें, अब एक लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस कर देते हैं ठीक है, जो कि है गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक ठीक। तो जिससे वैक्यूम में तो आप ये चीज जानते हो कि गॉस लॉ जो होता है वो बराबर होता है ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल बराबर क्यू इन नॉट। यहां पे क्या है कि देखो सेम चीज है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था, डायलेक्ट्रिक डाला, इसके अंदर इंड्यूस चार्ज आ गया ठीक है। तो अगर इस पे मैं चार्ज मानता हूं क्यू नॉट, इस पे मानता हूं क्यू पी पोलराइज चार्ज, एक गॉसियन सरफेस हमने लिया, तो गॉसियन सरफेस लिया तो इस गॉस लॉ अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्यू नॉट माइनस क्यू पी ठीक। तो ये बच्चा हो गया Q नॉट माइनस क्यू पी के बराबर ठीक। तो ये जो फॉर्मूला था पीछे हमने जो ये निकाला है ठीक है, इसमें देखो यहां पे Q नॉट माइनस क्यू पी की वैल्यू देख रहे हैं ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, इसी को हमने क्यू पी बोला है, इसको Q नॉट बोला है। तो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, Q नॉट माइनस क्यू पी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये देखो गया क्यू पी इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन के, यही है ना, इसको इधर लेके आओ QP को उधर भेजो, तो Q नॉट माइनस QP कितना हो जाएगा, Q नॉट बाई K के बराबर। इसका मतलब यहां पे हम रख सकते हैं Q नॉट माइनस QP को Q नॉट अपॉन K के बराबर ठीक है। तो यहां पे गॉस लॉ को आप लिख सकते हो कि E डॉट ds इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि हम ये चिंता ना करें कि कितना पोलराइज चार्ज आया, कितना नेगेटिव आया, ये सब चीजें हम ना देखें, हम सीधे सीधे ये देखें कि नेट ये जो फ्री चार्ज है ठीक है, मतलब कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हम करेंगे, के एप्सिलॉन नॉट करेंगे ठीक है। तो गॉस लॉ जो होता है बच्चा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो हम लिखते थे वो वैक्यूम के लिए होता है। अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर आ गया तो वहां पे क्या होता है कि गॉस लॉ चेंज कर जाता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्लियर है बात ठीक है। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि आपको पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो कि गॉस लॉ से आपने पढ़ा हुआ था कि गॉस लॉ का यूज करके हमने ये कैलकुलेट किया था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये जैसे पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस माना और उस गॉसियन सरफेस के कारण कितना मतलब गॉसियन सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करते थे। तो क्या करते थे कि ई डॉट डी एस मानते थे और फिर उसके बाद इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते थे। तो वहां पे तो अगर मान लीजिए ये चीज बोला जाए कि ये पूरा ये जो चार्ज है इसको हमने किसी लिक्विड के अंदर रख दिया, या लिक्विड या किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर अब आप इसको यूज करते हो तो आप ऐसे यूज करोगे ई डॉट डी एस
इज का क्लोज इंटीग्रल बराबर क्यू एन, तो क्यू एन कितना यहां पे, मतलब क्यू एन आप ये नहीं देखोगे कि कितना डायलैक्ट्रिक की वजह से इंड्यूस पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आया, ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ मैनेज कर लेता है वो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो आप सिंपल लिखोगे ये, अगर इसको क्यू नॉट बोल दूं मैं तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ से यूज करोगे और आप इसको यूज करके फॉर्मूला निकालोगे तो आएगा E इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलो अभी तक इतना ही रखते हैं। ये है अपना डायलैक्ट्रिक का टॉपिक जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया। ठीक है, लेकिन इसको आप एक एक चीज को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।